इन्हीं को अमूल लील जाए, उस वक्त आप इंटरवीन करते तो व्यवस्था बेहतर होती। सरकार है वहां बीजेपी की, ये अपने आप में उदाहरण है कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक। वो डबल इंजन की बात कर रहे हो क्या? बना दिया आपने मणिपुर को, और सूट एट साइट का जो मैं वो नोटिफिकेशन पढ़ रहा था, द गवर्नर इज प्लीज टू, पता नहीं इस तरह की जुबान चलती है क्या? एक पूरा राज्य जल रहा है हिंसा पराकाष्ठा पे, अधिकांश लोगों को कोई चिंता नहीं है। गृहमंत्री जी इतनी देर से जागे, आग बढ़ती रही, संभालिए। ये डबल इंजन का अद्भुत उदाहरण है कि कैसे आग लगी है, लगाई जाती है। झटका लगा है हाई कोर्ट से, क्योंकि जातीय जनगणना जो आप लोग करा रहे थे उस पर रोक लग गई है। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि सरकार को झटका लगा है ना, वो बहुजन आबादी का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा था? ये हो रहा था कि समावेशी विकास का चरित्र क्या होना चाहिए। ये क्यों हो रहा था कि 70-75 साल बाद हम कम से कम ये आकलन करके देखें कि हमारा विकास का मॉडल टारगेटेड हो। उसके लिए क्या चाहिए? हमें आंकड़ा नहीं चाहिए हर बात के लिए। न्यायालय भी कहता है कि आंकड़ा कहाँ, आंकड़ा कहाँ, आंकड़ा कहाँ। ये वैज्ञानिक आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे थे, और मैं तो बार बार दोहराता हूं कि सामाजिक न्याय की धारा से भाजपा को डर लगता। हम समझते हैं, प्रधानमंत्री जी तक अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कास्ट सेंसस के नाम पर। सदन गवाह है, सदन का डॉक्यूमेंट गवाह है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को व्यापक दृष्टिकोण से, जो मार्टिन लूथर किंग कहते थे कि व्यापक समाज के सरोकार को समझने के लिए व्यापक नजरिया होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय उस व्यापक नजरिए के आधार पर आगे जब अंतरिम के बाद फैसला देंगे तो उस पर देंगे। देखिए, महुआ जी ही नहीं, कई लोग ये कह रहे हैं, मैं बार बार ये कहता हूं, एनकाउंटर रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। जब आप किसी का, व्यक्ति का एनकाउंटर करते हैं ना, तो उसके तथाकथित अपराध की भी सारे जो सूत्र आपको प्राप्त होते हैं वो नहीं मिलेंगे। हर एनकाउंटर के बाद ये एक मन में भावना जन्म लेती है, कहीं ये सच के खुल जाने के डर से एनकाउंटर तो नहीं हुआ। ये रूल ऑफ लॉ के मिजाज के अनुरूप नहीं है। कोई कितनों ताली बजा ले, सेलिब्रेट कर ले, लेकिन हर एनकाउंटर कई गाथाओं को बंद कर देता है, जो अगर सामने आती तो एक पूरा का पूरा सूत्र पता चलता। आतंकवाद का जो दौर है वो जारी है, और सभी तरह के आतंकवाद का एक तरह से विरोध होना चाहिए, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी उन्होंने बात की। बिल्कुल, ये सारे सरोकार आज के नहीं है, जयशंकर जी के ही सरोकार नहीं, इस देश का सरोकार। और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस में आतंक की प्रयोगशालाएं चलाओगे और नॉर्मल रिलेशनशिप की बात होगी, दोनों विरोधाभासी है। लेकिन ये फोरम, इसका मैंडेट कुछ अलग है। इस फोरम के अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर मैं देखता हूं कि आने वाले घंटों में किस तरह से बातचीत का स्वरूप अख्तियार होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।